नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में कृषि मंत्री, जनपद की प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां यहां पर गिनवाई है। साथ ही साथ लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन पर भी उनकी ओर से तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में इतने काम किए हैं जो किसी और सरकार ने नहीं करे, इसके बावजूद भी किसान भ्रमित हो रहे हैं और किसानों को भ्रमित करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। किसान कुछ जगह पर ही अपना प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि पूरे देश में किसान अपने खेतों में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो स्वतंत्र हैं अपने आंदोलन और अपनी बात को रखने के लिए। हमारा काम है कि हम किसानों के खुशहाली और समृद्धि के लिए निरंतर काम करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सरकार बनने के 2 साल बाद ही 2017 के पहले एक लक्ष्य रखा कि हम किसान की आमदनी को दोगुना किए जाने के लिए एक ठोस कार्यक्रम चलाएंगे, और उन ठोस कार्यक्रमों के अंतर्गत हम लोगों ने MSP को 1.5 गुना कराया। PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये हर किसान को 1 साल के भीतर हर 4 महीने पर भेज रहे हैं। साथ साथ में पूरे देश भर के भीतर सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था कराई। हम लोगों ने सिंचाई संसाधनों को बढ़ाए जाने का काम किया। कृषि यंत्रों के रूप में किसानों को काफ़ी पर्याप्त मात्रा में कृषि यंत्र मिल सके जिनसे उनको खेती में मदद मिले, उसके लिए 50% अनुदान पर हमने खेती के लिए उनको सुलभ कराए। दोस्ती में गद्दारी की मिसाल मुजफ्फरनगर में मिली है, जहां पर दो दोस्तों ने पैसे के लेन देन को लेकर अपने ही साथी कपड़ा व्यापारी को मौत के नींद सुला दिया, जिसके बाद में लाश को जमीन में खुद ही दफन भी कर दिया। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर से लापता चल रहे कपड़ा कारोबारी युवक चांद की 15 दिन पूर्व ही हत्या कर दी गई। परिवार के लोग लगातार कोशिश करते रहे लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। थक के यहाँ पर शक के आधार पर पुलिस की ओर से उसके एक साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। आरोपी ने यह भी बताया है स्थान पर युवक की लाश मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की वजह यहाँ पर पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। इसमें लगातार पुलिस काम करती रही, उसको तलाश करने का काम करती रही। इसमें आज 25 तारीख को पुलिस को एक डेड बॉडी की सूचना मिली। पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद किया सुल्लू के जंगल से, और इसी में जो पुलिस अपना लगातार विवेचन उसमें कर रही थी, इसमें दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक युवक का नाम इसमें आसिफ उर्फ मुल्ला है जो कि सुजड़ू का रहने वाला है, दूसरे युवक का नाम खन्ना उर्फ वाजिद है। जानकारी में आया है कि दोनों युवकों ने भी उस चांद नामक युवक की हत्या की है, जिसमें इनका तकरीबन 43,000-43,000 रुपये को लेकर कुछ विवाद था, उसी विवाद में आते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए 4,000 सैंपलिंग की टेस्टिंग की जा रही है। वहीं पर आज कोरोना के केवल 6 मरीज 4,000 की सैंपलिंग में निकले हैं और 16 मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिस्चार्ज किया गया है। वहीं पर जनपद में केवल 144 कोरोना के मरीज हैं, जिनमें बैगराजपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर 3 पॉजिटिव भर्ती है यहां पर मरीज, वहीं पर बाकी मरीज जो है वो होम आइसोलेट है। इस बड़ी कामयाबी को स्वास्थ्य विभाग कोरोना से जंग लड़ने के लिए एक बेहतरीन प्रयास और टीम वर्क के रूप में देख रहा है। अब इस समय तो कोरोना की स्थिति ये है कि संक्रमित मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है। जैसे कल हमारे यहाँ केवल 6 मरीज कोरोना से संक्रमित मिले जी, और मृत्यु कोई नहीं हुई जी, और 16 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं जी। और वर्तमान में केवल 144 मरीज हमारे उसमें हैं जो कि एक्टिव केस हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं, और बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज में इस समय केवल 3 मरीज हुए। करीब 4,000 के करीब टेस्टिंग करते हैं, हमारा लक्ष्य है 2,000 RT-PCR जी और 900 एंटीजन का जी, तो रोजाना 3,500-4,000 के बीच में।
मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की गति तेज करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। जिले में हर दिन तकरीबन 100 वैक्सीनेशन कैंप लगते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएमओ डॉक्टर एसके अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर में लगभग 4 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है और 14 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाना अभी बाकी है। जनपद मुजफ्फरनगर में जो वैक्सीन चल रहा है अभी तक हम जो है फर्स्ट डोज जो लग चुकी है 364,274 लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और सेकंड डोज 60,774 लोगों को लग चुकी है। जी सर, करीब करीब ये डोज हमारी लग चुकी है 4 लाख के। अभी काफ़ी बकाया है, उसमें बहुत प्रयास चल रहा है। सेक्टर अप्रोच का भी वो चला रहे हैं जिसमें कि गांव को लेके कवर करते हुए हम आगे चल रहे हैं कि 100% उनका वैक्सीनेशन हम करते जाए। और एक जुलाई से वो फिर एक नया प्लान है वही सेक्टर अप्रोच का। अभी तो 3 ब्लॉक में हम चला रहे हैं लेकिन 1 जुलाई से भी सारे ही ब्लॉक में वो सेक्टर अप्रोच चलेगी। पर डे पर गाँव को हम फुल्ली मैनेज करने का प्रयास। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में महिला कर्मचारी ने डॉक्टर और उसके साथी पर प्रमोशन के नाम पर शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बावजूद भी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं पर पीड़िता न्याय के लिए थाने से लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही है। दिल्ली निवासी पीड़िता ने बताया है कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मधुसूदन ने प्रमोशन का लालच देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वहीं पर प्रमोशन के लालच में आकर महिला ने डॉक्टर को 50,000 रुपए भी दिए। एक स्टाफ नर्स हैं जो अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने अपने ही मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर साहब के विरुद्ध आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ गलत काम किया है, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा थाना नवाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो उस पर जांच की जा रही है, जो भी विवेचना में दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के बर्रा के दामोदर नगर वैक्सीनेशन सेंटर में दो पक्षों में विवाद देखने को मिला है। जहां पर वैक्सीन लगवाने को लेकर विवाद हो गया, वहीं पर दोनों पक्ष बीजेपी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला पत्नी के साथ वैक्सीन लगवाने गए युवक का सेंटर में मौजूद लोगों से विवाद हो गया था। सेंटर पे एक मारपीट का मामला संज्ञान में आया है जिसमें जो दोनों पक्ष हैं उनको बुलाकर के आगे कार्रवाई की जाए। तहरीर दी गई है अभी? अभी फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। ये वैक्सीनेशन सेंटर पे एक मारपीट का मामला संज्ञान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परोख का दौरा करते हुए दिखाई देंगे। राष्ट्रपति कोविंद कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं पर राष्ट्रपति के आगमन से पहले पुखराया हेलीपैड पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की रिहर्सल यहां पर की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक का जायजा लिया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तो हम आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव आने वाले हैं, उसको लेकर लगातार तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जिन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करते हुए नजर आएंगे वहां पर डीएम की ओर से जायजा लिया गया है। देखा गया है कि उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से की गई हैं, उसी को लेकर ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम अधिकारी जो भी अभी तक वहां पर तैयारी की गई है उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी प्रेमिका की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल चंदोसी कोतवाली के संभल गेट पुलिस चौकी के पास में गोली मारने से संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी और प्रेमिका की मौत हो गई। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी पर महिला की गोली मारकर हत्या करने और खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना के बाद कई थानों की पुलिस के साथ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर SP चक्रेश मिश्रा ने परिजनों से घटना की जानकारी ली है। वहीं पर फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से जांच में जुटी हुई है।
हुआ जब से आखिरी काट दिया, आज हमने बंद भी करा दिया। रिश्ता हुआ था या दोनों का आपस में वैसे ही बात? ना ना कोई बात ना, और मैं छेड़खानी करता छेड़खानी कर दिया, वो मने कर रही रामपुर में। अभी बात नाराज था ये रिश्ता होने से? हाँ नाराज है, मने कर रही, मैं ना करूंगी तुझसे, तेन कह मैं तुझे पसंद करूंगी। तो आपने शादी कहीं और से कर दी थी इसकी? हाँ। यूपी के औरैया में शादी के दिन दरवाजे पर आई बारात को लड़की वालों ने लौटा दिया और दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। वजह थी लड़के का बिना चश्मे के अखबार ना पढ़ पाना। दरअसल यूपी के औरैया के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के जमालीपुर गांव के रहने वाले अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी अर्चना की शादी शिवम से तय करी, जो कि थाना अछलदा का रहने वाला बताया जा रहा है। पढ़े लिखे लड़के को देखकर अर्जुन सिंह ने पहली ही नजर में लड़के को पसंद कर लिया। इसके बाद में सारी तैयारियां भी तय हो गई, तारीख भी तय हो गई, मोटरसाइकिल और नकदी भी देकर यहां पर लगन चढ़ाया गया। इसके बाद में तय तारीख यानी कि 20 जून को जब बारात घर आई तो दुल्हन पूरा वक्त इस दौरान दूल्हा चश्मे में रहा। घर की महिलाओं को शक हुआ इस पर, जब लड़के से यानी कि दूल्हे बने शिवम से हिंदी के अखबार बिना चश्मे के पढ़वाया तो वो नहीं पढ़ सका। फिर क्या था, लड़का बिना चश्मे के देख नहीं सकता, ये सुनकर दुल्हन बनी अर्चना ने शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसका घर वालों ने भी साथ दिया और लड़के वालों से दहेज का सामान और नकदी वापस ले लिया, जिससे लड़के वालों ने यहां पर इनकार कर दिया और मामला थाने पहुंच गया। ये था कि मेरे माँ बाप को धोखे में रखा गया, ये बताया नहीं गया कि लड़का के आँखों में कोई प्रॉब्लम है, बस ऐसे ही लगाता था चश्मा। सब लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही लगाता है चश्मा, लेकिन बाद में पता चला सब कुछ हो गया। इसके बाद में बारात आई तो बारात के दिन टीके पे बैठ गया लड़का, तो सभी को पता चला कि लड़के को दिखाई नहीं देता चश्मा, अगर हटा ले तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा वो, इसलिए शादी टूट गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।